हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अन एकेडमी लेट्स क्रैक नीट यूजी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है बच्चों एक सेकंड में लैपटॉप में भी देख लूं कि मैं दिख रही हां आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर लास्ट सेशन में हम लोगों ने आ, इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप के अंदर हम लोग कंपटीशन जो है डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रोटोकॉपरेशन नहीं हुआ है अभी वो मैं करवाऊंगी आप लोग को लेकिन हम लोग सिम्बॅटिक एसोसिएशन पूरा डिस्कस कर चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स व लाइकअन अबाउट द माइक्रोराइज ऑफ फिट्री एंड दर्स्ट स्पीशीज ऑर्किड दैट इज द बी एंड बम्बल बी वाला ये तमाम चीजें डिस्कस कर चुके कॉम्पिटिशन में दोनों फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन जो एग्जिस्ट करते हैं चाहे वह कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो गॉदसर ने दिया था या फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग वाला ठीक है कोई uh, uh, हम लोग अपनी जनरल आइडिया एक एक हम लोग देख चुके थे कि प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है पैरासिटिज्म में क्या है प्रिडेशन में क्या है बहुत डिटेल नहीं गए थे तो वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रिडेशन से मैं आज कंप्लीट करूँ कंटिन्यू uh, करूंगी आज का सेशन में ठीक है उम्मीद करती हूँ लास्ट सेशन में जहां तक मैंने पढ़ाया था आप उतना पढ़कर बैठे होंगे ठीक है उतना आपको समझ में आ गया होगा uh, मेरे बारे में आप जानते ही हैं दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव पिछले आठ सालों से मैं ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी सर्विसेज दे रही हूं मैं अभी तक वन लाख प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूं और मेरे पढ़ाए गए हजारों स्टूडेंट्स इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर प्रेजेंट है इंक्लूडिंग एम्स ठीक है चलिए हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं वहां पर आपको चाहे आप प्लस भी ले सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस वीकली टेस्ट हमारे पास इंडिया के सत्तर से ज्यादा टॉप एडुकेटर की टीम है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जिस सब्जेक्ट में जिस एडुकेटर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जी बिल्कुल आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं जुड़ने का तरीका बड़ा आसान है प्ले स्टोर पर जाके आपको अनकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है आप जैसे ही इस ऐप को इंस्टॉल इस कर लेंगे आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपका स्ट्रीम पूछेगा आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो नीट यूजी उसमें भरिएगा फिर पूछा जाएगा प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे जैसे प्लस का का ईयर सब्सक्रिप्शन सबसे काफेक्टिव देखो थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स फिफ्टी का पड़ता है आफ्टर टेन परसेंट डिस्काउंट वो आप प्रोसीड टू पे के पहले आपके पास एक ब्लैंक स्पेस होता है जहां पर होता रेफरल कोड तो आप रेफरल कोड शिवानी अप्लाई करेंगे शिवानी रेफरल कोड अप्लाई करने से आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट जो है ये अपनी फीस पर मिल जाएगा शिवानी रेफरल कोड अप्लाई करेंगे टेन परसेंट का डिस्काउंट आपको अपनी फीस पर मिल जाएगा ऐसे ही आइकॉनिक की मैं बात करूं तो आइकॉनिक के अंदर एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन ईयर एंड टू ईयर इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन टू आप क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है पॉकेट फ्रेंडली है और वैसे भी हमें इतना समय लगता ही है नीट की जर्नी को तय करने में ठीक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम कंटिन्यू करेंगे उसके पहले मैं एक बार ये आपको दिखा देती हूँ बहुत सारे बैच कोर्सेज हर हफ्ते भी चल रहे हैं ठीक है नीट यूजी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं वाई दिस कोड प्लस और आइकॉनिक आप अगर वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये अवेलेबल है आप लोन ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो उस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं ठीक है बस शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट भी मिल जाएगा प्लस आप मेरी मेंटरशिप में आ जाओगे एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ सुपर इट ठीक है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ प्लस और आइकॉनिक के फायदे क्या है ये देखो बहुत सारे एम्स रैंकर बैच नीट दो हजार बाईस के लिए बाईस अक्टूबर से बैच शुरू होने जा रहा है समर्थ बैच शुरू होने जा रहा है तो आप में से इनमें से किसी का भी पार्ट बन सकते हैं वाई आर यूजिंग माय कोड शिवानी आप सब्सक्रिप्शन ले ले मेरा खुद का नया बैच जो मैं है शुरू करने जा रही हूँ ट्वेंटी फिफ्थ से ठीक है तो कैन बी द पार्ट ऑफ दैट चलिए कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने हाँ कंपटीशन खत्म हो गया था ना प्रिडेशन से स्टार्ट करना है हमें ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन चल रहा था ये कंपटीशन हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रिडेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं इसमें भी जो एक चीज है प्रिडेशन पैरासिटिज्म और प्रडेशन दोनों चीजें हमने पढ़ी थी इसमें मैंने आप लोग के साथ एक चीज डिस्कस की थी मैं पैरासिटिज्म या प्रिडेशन की बात करूं पैरासिटिज्म आप लोग को ध्यान होगा इनिशियली जब मैंने डिस्कस किया था मैं पैरासिटिज्म की बात करूं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था या फिर प्रिडेशन की बात करूं तो एक कॉमन चीज इन दोनों में भी ये है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है यानी कि एक स्पीशीज को तो फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होता है अब जैसे म्यूचुअलिज्म और प्रोटो प्रोटोकॉपरेशन में भी यही कहानी थी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरक्शन था म्यूचुअलिज्म भी भी और प्रोटो में भी लेकिन उसमें एक डिफरेंस पड़ा था अगर दोनों ही सेम होते तो अलग अलग नाम क्यों देते उसमें एक डिफरेंस ये था कि सिंबायोटिक एसोसिएशन जो है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जो है वो एक ऑब्लीगेट रिलेशनशिप है उसके बिना लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा प्रोटोकॉपरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक ऑप्शनल रिलेशनशिप है है तो भी चलेगा नहीं है तो भी चलेगा वन था ऐसे ही मैं ये लैंग्वेज आपको पढ़ के सुनाऊंगी इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ यहाँ से देखने से ये तो क्लियर हो गया होगा कि पैरासिटिज्म और प्रडेशन दोनों ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें एक स्पीशीज को तो फायदा होगा दूसरे को नुकसान पहुंचेगा अब पहले मैं पैरासिटिज्म की बात करूं तो पैरासिटिज्म में हम दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा एक होता है होस्ट ठीक है एक होता है पैरासाइट एक होता है होस्ट एक होता है पैरासाइट जनरली बॉडी साइज जिनका बड़ा होता है वो होस्ट होता है और जिनका बॉडी साइज छोटू होगा वो पैरासाइट होंगे तो जो होस्ट है उसे हमेशा नुकसान पहुंचता है और जो पैरासाइट है उसे फायदा पहुंचता है ठीक है ऐसे ही में प्रिडेशन की मैं बात करूं तो इसमें भी दो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रिडेटर एंड प्रे ठीक है प्रिडेटर एंड प्रे ठीक अब जैसे इसमें ये प्रिडेटर एंड प्रे दे रखा है इसमें जो प्रिडेटर होगा ना ठीक है जो प्रिडेटर है इसको हमेशा फायदा पहुंचेगा और जो प्रे है इसको नुकसान पहुंचता है ठीक है टर्म्स देख लो पहले पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट होता है लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म होस्ट है इसे हमेशा नुकसान होता है स्मॉल बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है इसे फायदा पहुंचता है प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप की बात करूं बेटा तो प्रिडेटर जो है इसको हमेशा फायदा होता है और प्रे जो है इसको हमेशा नुकसान होता है लेकिन ये अंतर ये नहीं है अंतर क्या है अंतर ये है पैरासिटिज्म जब मैं भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो उसमें आप ये देखोगे कि पैरासाइट होस्ट को नुकसान जरूर पहुंचा रहा है लेकिन वो उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है जान से मारता नहीं है ये सिर्फ क्या करता है पैरासाइट होस्ट को यूटिलाइज करेगा नो डाउट उसको नुकसान पहुंचाएगा लेकिन मारेगा नहीं उसे ये सिर्फ उसे फिजिकली वीक बनाएगा ठीक है ये सिर्फ उसे कमजोर बनाता है मारता नहीं है जबकि पैरासिट प्रिडेशन की मैं बात करूं तो प्रिडेटर जो है इसमें प्रे को मार के खा जाएगा मतलब इसमें जान जाएगी इसमें जान नहीं जाएगी फॉर <laughs> एग्जाम्पल एग्जाम्पल बड़ा लाइसिस जुए पड़ जाते हैं सिर के अंदर ऑब्वियसली बात है आपको नुकसान तो पहुंचा रहा है ठीक है ब्लड लेकिन वो आपको जान से नहीं मारेगा जुए पड़ने से किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है वो मार नहीं देगा जान से तो ये है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप मैंने बताया रिलेशनशिपर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी को मार के खा जाएंगे और प्रे नुकसान वो इंसान जो बेचारा मरेगा और खाने में आएगा उसको आप प्रे कहोगे जैसे तो कि शेर जो है शिकार करता है हिरणों को मार के खाता है टाइगर एंड द डियर तो टाइगर तो हो गया प्रिडेटर डियर हो गया प्रे तो डियर को नुकसान नहीं पहुंच रहा उसकी जान ही जा रही है तो ये अंतर है पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में। में पैरासाइट सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा जान से मारेगा नहीं प्रेडेशन में प्रेम मर जाएगा ये मार के ही खा लेता है प्रेडेटर इसे ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में है जरूर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन और ये पता होना चाहिए कि इसमें पैरासाइट और होस्ट टर्म यूज करते हैं होस्ट इज अ लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म पैरासाइट स्मॉल बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म पैरासाइट को हमेशा फायदा होगा होस्ट हमेशा नुकसान में रहेगा और प्रेडेटर प्रिरेटर में बात करें प्रेडेटर प्रेडेटर जो है वो उसको फायदा होता है जो मार के खाने वाला है उसको आप कहते हैं प्रेडेटर और जो जानवर मरेगा खाने में आएगा दिस इज द प्रे अब आप हो सकता है सिर्फ जानवरों से ही रिलेट कर रहे हो चिड़िया होती है चिड़िया स्पैरो इंसेक्ट भी खाती है तो स्पैरो हो गया इंसेक्ट प्रे हो गया ये तो क्लियर है लेकिन चिड़िया जो है स्पैरो है वो अनाज के दाने भी चुगती है तो क्या अनाज का दाना भी प्रे होगा क्या प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आपके अनुसार स्पैरो एंड द इंसेक्ट तो ठीक है ये तो क्वाइट uh, ऑब्वियस हो गया होगा ये समझ के कि जैसे टाइगर एंड द डियर है ऐसे स्पैरो एंड द इंसेक्ट अगर स्पैरो uh, कीड़े मकोड़ों को खा रही है खाती है ना कीड़े मकोड़ों को भी खाती है तो वो प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप है बट अगर स्पैरो किसी ग्रेन को किसी अनाज के दाने को खा रही है तो क्या वो भी प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप है सोच के बताओ प्रे रिलेशनशिप है क्या हाँ या ना सोचो जी तो फिर तो मैम हम भी खाना खा रहे हैं है? वनस्पति तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप हो जाना चाहिए हर भी ओरस एनिमल्स भी तो खाते हैं पेड़ पौधों को वनस्पति को वो भी तो वनस्पति हो गई दाना भी तो मतलब अब बताओ लेट मी नो जल्दी बोलो जल्दी वेटिंग यस yes, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस yes, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं यस दिस इज द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप स्पैरो एंड सीड्स या प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप ही है हर भी वोस एनिमल जो प्लांट्स को खा रहे हैं ये भी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप ही है ठीक है क्लियर हुआ टाइगर एंड द डियर टाइगर इज द प्रेडेटर डियर इज द प्रे यस स्पैरो एंड द सीड्स हर बी वो एनिमल एंड द प्लांट ऑल्सो दिटर प्रे रिलेशनशिप्रिडेटर क्या है प्रे क्या है ये समझ में आ गया मैं हाँ पढ़ के सुना देती हूँ यानी कि प्रिडेटर को तो फायदा होता है एज वी ऑलरेडी डिस्कस प्रिडेटर बेनिफिट एंड द इंटरक्शन इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज प्रे को नुकसान हो रहा है ना तो ये है

ये आपके एनर्जी को नेचुरल वे है एनर्जी ट्रांसफर करने का जैसे कि यहां पर कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ एंड प्रे आर गिवन एस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ठीक ये क्लियर हो गया फिर अब देखो प्रेडेटर्स जो है जो मार प्रेडेटर और प्रे टर्म क्लियर हुआ प्रेडेटर वो ऑर्गेनिज्म जो किसी को मार के खाएगा और शुद्ध भाषा में बात करें तो प्रे वो ऑर्गेनिज्म जो बेचारा मरेगा और खाने में आएगा तो टाइगर एंड द डियर स्पैरोड द सीड्स हरबी वोरस एनिमल एंड द प्लांट्स दिस इज ये सारे प्रिनेटर है फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले सारे प्रे है अब जैसे कुछ वो बता रखा है प्रीडेटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इको सिस्टम क्या रोल खा रहा है ना तो कोई खा रहा है कोई खाने में आ रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका हो गया ठीक है तो प्रिनेटर जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आज मैं हंड्रेड नहीं जाऊँगी आज आपको यहीं से करना है रीजन है उसका ठीक है दूसरा वाला पीपीटी जहां मैं लिख सकती हूँ वो मैंने आज डाउनलोड नहीं की कोई नहीं आप यहां से कर लो समझ में सारा आएगा तुम्हारी फिर भी डिमांड होगी तो नेक्स्ट डे लिखा दूंगी नहीं लिखाऊंगी यार लिख लो यार तो लिखवा दूंगी मैं पीडीएफ अवेल करवा दूंगी इसका चलो पीडीएफ भेज दूंगी मैं भेज दूंगी सिर्फ सुन लो ठीक है टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेल कर दूंगी ठीक है तो एक तो एनर्जी का ट्रांसफर करवाने का काम करता है दूसरा क्या है अगर मान लो

एनर्जी ट्रांसफर करने का एक नेचुरल तरीका है कोई खाएगा उसको कोई खाएगा तो नेचुरली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एक तो ये रोल प्ले करता है दूसरा ये पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है ठीक है नेक्स्ट क्लास से हैंड रिटन भी मिल जाएगा और आज का जो है ये मैं आपको इसका पीडीएफ अवेल करवा दूंगी टेलीग्राम पर ठीक है ये हो गया अब ये सब नहीं करना बायोलॉजिकल ये कुछ देखो बायोलॉजिकल agriculture एग्रीकल्चर the स्पीशीज डाइवर्सिटी ये नहीं ये देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है अब तुम सोच रहे हो टाइगर दिमाग मतलब अब सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसका लैंग्वेज बाद में पढ़ाऊंगी ध्यान से सुनना अब जैसे पहला एग्जाम्पल उठा लो पेटर प्रे रिलेशनशिप का मैंने कहा टाइगर एंड द डियर पुरेटर प्रे रिलेशनशिप है तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती होगी ना कि टाइगर तो बड़ा बलशाली है आराम से हिरण को मार के खा जाता होगा क्या ऐसा सच है कितने लोग जंगल सफारी पे गए हैं कभी नहीं गए गए होते तो वहां पे जो होता है ना जिनके साथ अपन जाते हैं सफारी पर जो गाइड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते तो उनको पता होगा प्रेडेटर कभी भी इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो बड़ी आसानी से प्रे को मार के खा जाए क्या होता है जैसे मैं शेर जो शिकार करता है हिरण का पहली बात हिरण बहुत फुर्तीली होती है तुरंत भाग जाती है दूसरी चीज आपने अगर कभी सफारी वगैरह क्योंकि जंगल के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे जैसे मतलब जैसे राजस्थान वाले तो जा सकते हैं बगल में हमारे सवाई माधवपुर है ठीक है जिसको जो गया होगा तो उसको पता होगा गाइड भी बताते हैं नहीं भी पढ़ा होगा तो उनको पता होगा जंगल का एक रूल होता है कि जैसे बंदर है पक्षी है अब जैसे शेर बड़ा जानवर है कोई छोटा जानवर नहीं है तो चिड़िया ऊपर से कोई भी पक्षी जा रहा है तो उसे दिख जाएगा कि ये शेर है ठीक है बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो उन्हें आराम से वो पूरा जंगल दिखेगा ना हाइट से तो उसे दिख जाएगा कि यहाँ पर शेर है दूसरा ये जो प्रे होते हैं ना जैसे जो हिरण वगैरह होती है इनका भी स्मेलिंग जो स्मेल पावर है बहुत जबरदस्त होता है तो ऐसा नहीं है कि शेर ऐसे खुले में आएगा और शिकार कर लेगा नहीं इतना आसान नहीं होता है ये ना वार्निंग सिंबल्स देते हैं जैसे किसी पक्षी ने देख लिया तो एक एक उनका स्पेसिफिक साउंड होता है वो स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करते हैं जंगल में वो साउंड जैसे ही दूसरा जानवर सुनता है समझ जाता है कि वार्निंग दे रहा है कि यहाँ आसपास शेर है वो छुप जाते हैं ठीक है थीके? प्लस ये जो हरबी मोरस एनिमल्स होते हैं ना जिनका शिकार जैसे हिरण वगैरह आप देखिए मोस्टली झुंड में रहते हैं ये तो शेर के लिए उसका शिकार करना ये नहीं है कि आराम से से खुले में नहीं आ सकता शेर शेर को छुपते छुपाते आना पड़ता है कि कोई देखे ना क्योंकि उसने अगर अलार्म दिया उसने अगर सिग्नल दिया तो सारे जानवर भाग जाएंगे वो शिकार नहीं कर पाएगा तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है तो एक चीज मतलब कुल मिला बात ये है कि तो मैंने ये तो टाइगर एंड द डियर का एग्जाम्पल दिया है बट सिर्फ यही नहीं जितने भी दे आर नॉट टू दे आर नॉट टू पावरफुल कि वो आराम से प्रे का शिकार कर लें हाँ, लेकिन वो चालाक होते हैं जैसे शेर है ना वो चालाक होता है मैंने बताया उसको पता है तो वो क्या करता है वो ना जैसे वो आप कभी भी आप लोग कभी सफारी पे गए तो आपको ये चीज वो गार्ड भी बताता है जहां पेड़ पौधे ज्यादा ना हो जहां खुला खुला एरिया हो ना वो कभी आपको शेर दिखाने के लिए उस जगह नहीं लेके जाएगा जैसे उसके शिकार का टाइम क्यों क्योंकि ऐसी जगह पर कभी भी आपको शेर शेर अगर शिकार करने जाता है तो हमेशा छुपते हुए जाता है कि जहां पर झाड़ियां हो तो वहां से छुपते छुपते जाएगा कि कोई उसे देखे नहीं तो मतलब प्रेडेटर इतने ओवर एफिशियंट नहीं होते लेकिन वो चालाक होते हैं चालाक होते हैं कि अपने प्रे का शिकार कर पाए क्यों क्योंकि अगर प्रेडेटर इतने ज्यादा ओवर एफिशियंट होते तो हो सकता है प्रे का पॉपुलेशन वो बचने ही नहीं देते सारे ही खत्म हो जाते दैट इज द थिंग तो, तो प्रूडेंट मतलब चालाक होते हैं इतने ज्यादा बलशाली नहीं कि आराम से पकड़ के खा लेंगे बट वो चालाक है उनके शिकार को करने के लिए देखो प्रिडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट अब आप जब notes बनाओगे ना तो मैं आपको बता देती हूँ ये राम कहानी इतनी हमें नहीं लिखनी है आपको लेकिन हो सकता है प्रूडेंट का मतलब ना पता हो तो इसी के ऊपर हिंदी लिख लेना है कि इसका मतलब चालाक तो आपको मेरी सारी स्टोरी याद हो जाएगी कि मैम ने कहा था कि प्रिडेटर जो है इतने ओवर एफिशियंट नहीं होते कि आराम से शिकार करके खाएंगे लेकिन वो चालाक होते हैं देखो प्रिडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट यानी कि चालाक द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रूडेंट इज बिकॉज अगर ये ये बहुत ज्यादा होते तो जो है ये ओवर एक्सप्लॉइट कर देते प्रे को सबको ही मार के खा जाते तो दोनों का ही पॉपुलेशन गड़बड़ा जाता ना प्रे होते ना प्रिडेटर होते द प्रे माइट बिकम एक्सटिंट इनकी प्रजाति शायद फिर तो लुप्त हो जाती

सबसे ज्यादा चालाक जानवर ही हम हैं तो हम जानवर कह रहे हो है तो वही क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अब ठीक है तो चालाक थे ही सही तो मतलब यार इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि प्रे आराम से पकड़ने में आ जाए और खा ले उसको तो प्रे ने भी एवोल्यूशन से बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं इनके पास भी क्या है मैं आपको एक एक करके डिटेल देती हूँ फॉलोइंग सम एग्जांपल प्रे में एक बार तो क्या जैसे कोई जानवर है ठीक है अब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जैसे कि आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है ठीक है इस वाइट स्क्रीन पर अगर मैं रेड डॉट लगाऊंगी तो आराम से दिखाई दे रहा है तुम्हें मैं ब्लू लगाऊंगी तो आराम से दिखाई दे रहा है मैं ब्लैक लगाऊंगी तो आराम से दिखाई दे रहा है इस वाइट पे ये देखो ये पेन मैंने व्हाइट कलर ही यूज किया मैं व्हाइट लगा रही हूँ आपको पता भी चल रहा है क्या नहीं मेरे पास यहाँ पर शेड अवेलेबल नहीं लेकिन मैं अगर कोई ऐसे लाइट क्रीम शेड यूज करती तो वो भी आपको नहीं दिखाई देता इसी तरीके का इस्तेमाल कुछ एनिमल्स करते हैं वो क्या करते हैं प्रिडेटर को क्या अच्छा प्रीडेटर को पहले दिखे भी तो सही प्रे कि मुझे इसको पकड़ के खाना है करेक्ट है तो एक विजन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनके लिए दिखेगा तभी तो शिकार के लिए निकलेगा तो एक एडाप्टेशन प्रे ने अपने अंदर ये डेवलप की कि वो अपने आप को अपना जो अपीरियंस वगैरह है वो आसपास के अनुसार जैसे अगर आसपास चट्टाने हैं पत्थर हैं तो अपना कलर अपना रिजम्बलेंस कुछ ऐसा बना लेता है कि एकदम से तो अगर आप देखो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये नेचर है या फिर कोई प्रे यहाँ पर है मतलब ऐसा बना लेता है अगर जैसे कोई जंगल के अंदर है, तो अपना कलर बिल्कुल आसपास के जो वनस्पति है ना उसके अनुसार बना लेगा तो क्या होता है तो वो प्रेटर जो है वो एकदम से एकदम से अगर देखे तो पहचान में ही नहीं आता कि ये आस, उसका रिजेम्बलेंस वो अपनी तर, आसपास की तरह ही कर लेता है तो एकदम से देखने में नहीं आएगा तो पकड़ने में नहीं आएगा तो खाने में नहीं आएगा ठीक है तो ये एक तरीके का अडाप्टेशन है जो प्रे डेवलप करते हैं मैं लैंग्वेज पढ़ के सुना देती क्रिप्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फाउंड इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट उनके आसपास के एनवायरमेंट के अनुसार अपनी वेशभूषा अगर चट्टान तो वैसा बन जाएगा अगर पेड़ पौधे तो उनका भी बिल्कुल वैसा ही समझ में ही नहीं आता एक बार को तो देखने में कि क्या है तो अपना रिजेंवल वैसा ही बना था जिससे कि अपने आप को से बचा सके क्यों क्योंकि predator को पहचान में ही नहीं आएगा ना ये प्रे है तो बच जाएगा ठीक है इट अकर बाय द प्रिडेटर अगर पहचान में नहीं आएंगे तो मरने में भी नहीं आएंगे ठीक ये कैमो फ्लैग है एक होता है केमिकल डिफेंस इट इज ऑल्सो वन अमंग द फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस केमिकल डिफेंस क्या होता है हाँ। स्वाद कौन सी सब्जी पसंद नहीं है तुम लोग को खाने में नाम बोलो एक हा? करेला नहीं पसंद डायबिटिक पेशेंट को बोल रहे हो करेला नहीं पसंद शरम कर लो तुम हमें हाँ, खाने के लिए अधिकतर क्या और करेला बना लेते हैं <laughs> चलो हाँ करेला अधिकतर लोगों को नहीं पसंद होता अब हमें तो मजबूरी में पसंद करना पड़ता मुझे भी नहीं पसंद था ऐसे कोई भी तुम्हारे मन में सब तो तुम्हारे को कभी

कि आज तुम्हारी मम्मी को खाना बनाने का एग्जैक्टली तो मूड ही नहीं है ठीक है उनको बनाना ही नहीं चाहती वो चाहती है कि तुम मैगी वैगी खा के ही मतलब आज हो बिल्कुल मजे मारने के मूड में उनको नहीं चाहिए कि आज खाना बनाए रोज, रोज रोज कौन खाना बनाए ठीक है थीके? तो अब उनने क्या एक ट्रिक खेली तुम्हारे साथ कि तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि बेटा आज मैगी खा लो फिर तुम लोग भी नाटक करोगे वैसे खाते भी हो ना पापा को भी बोलेंगे आज तुम भी मैगी वैगी खा लो पापा बोलेंगे अरे यार क्या है यार मेरे को ये भी काम है कम से कम खाना तो बना के दे दो तो इस अच्छा मम्मी ने क्या किया ना पापा को पसंद है तुम्हारे करेला ना तुम लोग को पसंद है मम्मी ना आज करेला बना रहे तो तुम्हारे पापा का भी मूड खराब हो गया तुम्हारा भी मूड खराब हो गया तुमने कहा आए तो मैं हम तो मैगी खा लेंगे इससे अच्छा ठीक है क्यों क्योंकि करेला पसंद नहीं है अगर यही सब्जी भिंडी बनाई होती तो तुम थोड़ी ना कहते कि मम्मी आज तो हम मैगी खा लेंगे नहीं हम तो खा लेते हैं भिंडी तो तो ऐसे ही क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम का टेस्ट इतना गंदा होता है जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है इतना हाईली डिस्टेस्टफुल है वो कि एक बार जानवर खाएगा ना कोई उसे दूसरी बार कभी नहीं खाएगा तो एक केमिकल डिफेंस है वो अपना टेस्ट इतना गंदा बना लेते कोई खाए ना तो ये भी एक केमिकल डिफेंस जो है ये ये प्रे प्रे ने डेवलप किया है ये देखो सम स्पीशीज अच्छा और जहर खाना किसी को पसंद है क्या चूहे मारने की दवाई घर में लाके रखी है हमें इतनी टेस्टी लगती है मैम हम, हम ही खा गए नहीं होता ना कोई जहर नहीं खाता है तो कुछ तो स्पीशीज क्या होती है पॉइजनस होती है जहरीली है एक बार खाएगा उसको पता लगेगा कोई जानवर से दोबारा नहीं खाएगा एंड आर देर फॉर अवॉइडेड बाय द प्रियटर इसलिए प्रेटर से नहीं खाएंगे से पता है भैया ये जहरीला है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मोनार्क बटरफ्लाई वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कई बार आया है ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है इसे प्रेटर नहीं खाते बर्ड्स इसे नहीं खाना पसंद करते इस बटरफ्लाई को तो. क्यों क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है जो इसे बहुत ही बेस्वाद बनाता है ठीक है ये कब ये डिस्चेस्टफुल कब होता है तो ये देखो ये देखा है कि केमिकल जो है ना ये मोनार्क बटरफ्लाई एक जब ये कैटरपिलर स्टेज में होती है ना तो एक पॉइजनस वीड से ये केमिकल को एक्वायर करती है जिस वजह से यह बहुत ही बेस्वाद होता है इतना बेस्वाद है कि इसे कोई दूसरा जानवर खाना पसंद नहीं करता तो एक केमिकल डिफेंस का एक तरीका है ठीक है मिमिक्री मैंने आपको बताया ना मिमिक्री में मतलब वही है मैं ऐसा मिमिक करूं मिमिक मिमिक्री मतलब आप सिंपल पढ़ते होंगे आपने शायद आपके क्लास में हर बच्चे में एक क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जिसमें टैलेंट होता है वो बहुत से लोगों की मिमिक्री कर सकता है बॉलीवुड स्टार्स की अपने एडुकेटर्स की है ना हर हर क्लास में एक ऐसा बच्चा मिल जाता है जिसमें जिस मिमिक्री जिस वाला टैलेंट होता है तो मतलब वो किसी और की तरह एक्ट कर रहा है ना मिमिक्री का मतलब वही है प्रे किसी और की तरह एक्ट करेगा किसकी तरह एक्ट करेगा या तो हो सकता है आसपास की सराउंडिंग की तरह तो किसी ऑब्जेक्ट की तरह दिखे प्रेडेटर को तो पकड़ के नहीं खा पाएगा या फिर कोई ऐसी चीज जो प्रेडेटर ना खाता हो ठीक है उसकी तरह एक्ट करे तो मिमिक्री ये भी एक तरीके का डिफेंस हो गया तो प्रेडेटर आराम से पहचान नहीं पाएगा तो पकड़ेगा नहीं तो खाएगा नहीं देखो इट रेफर टू द रिजेंबलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अनादर किसी ऐसे इंसान जैसा जिसको वो ना खाता हो या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह जैसे मैंने बताया ना आसपास अगर चट्टान है तो उसके जैसा बनेगा पेड़ पौधा है तो उसकी तरह दिखने लग जाएगा और कुछ और भी है। खाएगा नहीं ना ठीक है तो ये एक हो गया एक है वार्निंग कलरेशन ठीक है वो वही है मतलब वो ऐसे कलर की मतलब एनिमल को बता देता है भैया मत मार के खा मुझे ठीक है ये तो सब उसमें आ गया प्लांट्स चलो मैम जानवरों के अंदर तो ठीक है एनिमल्स तो अपने आप को बहुत तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं देखो प्रेटर को देखेंगे तो भागेंगे भी सही अपने बचाव में पकड़ में आएगा तो जान से जाएगा नहीं आएगा तो बच जाएगा ठीक है फिर अभी दुनिया भर के भी बताए प्लांट्स तो भाग भी नहीं सकते ना वो तो जहां है वहीं के वहीं खड़े हुए तो उनके अंदर क्या डिफेंस होता है हरबी वोरस एनिमल एंड द प्लांट्स दिस इज आल्सो ऑल्सो दिए रिलेशनशिप ना तो इनमें क्या होता है बहुत से पेड़ जो होते हैं उनमें देखा कांटे होते हैं बहुत ज्यादा कांटे होते हैं वो कांटे इसीलिए होते हैं कोई जानवर आए तो कांटे चुभेंगे उसको तो नॉर्मली वो डिस्कम्फर्ट होता है उनके लिए वो अवॉइड करते हैं खाना उनको ठीक है दूसरा कुछ पॉइजनस होते हैं जहरीले होते हैं तो खाएंगे तो हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए बीमार पड़ जाए उनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाए कभी कभी ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है ठीक है इसमें एक एग्जाम्पल बताऊंगी भी मैं तुम्हें तो फिर ऐसे प्लांट्स को खाना कोई नहीं पसंद करेगा तो प्लांट्स के अंदर ये अडाप्टेशन प्लांट्स खुद भाग नहीं सकते अपने बचाव में लेकिन वो ये कर सकते हैं देखो दे देवाल uh, देखो मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल में तो वो कांटे आ जाएंगे केमिकल डिफेंस का मैंने बताया ना वो पॉइजनस चीज हो जाएगी देखो प्रेजेंस ऑफ थ्रोन्स कांटों का प्रेजेंट होना मॉर्फोलॉजिकल बैरियर हो गया एक तरीके से मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मींस फॉर वेरी फेमस एग्जाम्पल एज वेल एज प्रोडक्शन हाईली टॉक्सिक और पॉइजनस केमिकल जैसे कि ग्लाइकोसाइड कैलोट्रॉपिस एक वीड है इसको कोई नहीं खाता कोई जानवर आपको इसके पास नजर नहीं आएगा द समुफ्ट क्योंकि इसमें जो जो ग्लाइकोसाइड्स है ना ये पॉइजनस होता है मैंने बताया इसका डिस्ट्रॉय कर सकता है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म कर सकता है बीमार पड़ ही जाएगा जानवर उसको ना ऐसे ईजी नहीं लगेगा मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा प्लस उसकी डेथ भी हो सकती है तो कैलोट्रोपिस वीड के आसपास आपको कोई जानवर ब्राउजिंग करते हुए नजर नहीं आता क्यों क्योंकि इसमें पॉइजनस फीड होती है कार्डिक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होता है इसके अंदर पॉइजनस है जहरीला है तो ये प्लांट्स के अंदर केमिकल डिफेंस के तरीके हैं ये समझ में आ गया इजी है ना मतलब पढ़कर समझ में आ जाएगा बस एग्जांपल्स कुछ जो याद रखने हैं मैं रिपीट कर देती हूँ प्रेडेटर वे में सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो आपको आउटलाइन के दौरान ही पढ़ाया था पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है यानी कि एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा जिसको फायदा होता है वो है प्रेडेटर जिसको नुकसान होता है वो है प्रे प्रेडेटर होता क्या है ये मार के खाएगा जिसको वो प्रेडेटर और जो मरेगा बेचारा जो खाने में आएगा वो प्रे जैसे कि एग्जाम्पल हमने पढ़ा टाइगर इज द प्रियर डियर इज द प्रे स्पैरो एंड ग्रेन्स ये भी प्रे रिलेशनशिप है और एनिमल इज द द एंड प्लांट्स आर द प्रे ठीक है अब मैंने बताया प्रियटर का जो है ये बहुत ज्यादा ओवर एफिशियंट नहीं होते लेकिन प्रूडेंट होते प्रूडेंट यानी कि चलाक होते हैं अगर ओवर एफिशियंट होते तो ये ओवर एक्सप्लाइट करते प्रे को तो प्रे का पॉपुलेशन खत्म हो जाता और प्रे का पॉपुलेशन खत्म होता तो खाने की कमी की वजह से प्रियटर भी खत्म हो जाते तो ये हमेशा प्रूडेंट होते हैं ओवर नहीं होते दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय रोलटर हमने पढ़ा एक तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर और प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रख रहे हैं दो फायदे हमने इसके देखे फिर हमने बात किया प्रेटर तो ठीक है चालाक है तो प्रे ने भी कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व की अपने आप के बचाव के लिए तो उसमें तो कैमोफ्लैग है Camouflage मतलब अपने तो क्रिप्टिक है, है।, है।, है? है या तो इतना बेस्वाद हो जाए कि कोई खाए ना उसे मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट मोनार्क बटरफ्लाई केमिकल डिफेंस प्रेजेंट है हाईली डिस्टेस्टफुल होता है टेस्ट के अंदर कोई नहीं खाएगा या फिर जहरीला हो तो कोई नहीं खाएगा

ये सब हो गया नेक्स्ट वी विल इट इज ऑल अबाउट द प्रोडेशन हम्म सिया प्रजापति कह रही मैम कुछ प्लांट्स में तो वो खाने के लिए ही बने होते हैं खाएगा भी तो सही आसानी से जानवर नहीं होते ना सही बात है आगे बढ़ो जी क्लियर है मोबाइल डिस्चार्जेस यहां से देख रही हूँ तुम्हारे कॉमेंट्स क्लियर चलो नेक्स्ट इज द पैरासिटिज्म पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर पढ़ेंगे पैरासिटिज्म के बारे में भी ये तो मुझे पता है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरक्शन है जिसको नुकसान होगा पैरासाइट है जिसको फायदा होगा फिर एक चीज ऑलरेडी पढ़ा चुकी प्रेडर तो मार देता था ना प्रे को ये मारेगा नहीं ये सिर्फ उसे कमजोर बनाएगा ठीक है अब पैरासाइट भी दो टाइप के हैं एक है एक्टो पैरासाइट, एक है एंडो पैरासाइट। नाम से क्लियर हो रही होंगी कुछ चीज एक्टो यानी कि बॉडी के ऊपर ही है अंदर नहीं है आपकी बॉडी के एंडो ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है अब इसमें देखो इसकी जो लैंग्वेज है फिर पहले ये बताती हूं फिर पढ़ेंगे लाइक प्रिडेशन इन पैरासिटिज्म इंटरेक्शन ही है Only one species benefit, जिसको फायदा होगा वह पैरासाइट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ट एंडल नुकसानदायक है टू ऑर्गेनिज्म स्पेंड अ पार्ट मतलब अपनी जिंदगी का कुछ समय या पूरी जिंदगी ही किसी दूसरे के ऊपर बिताएगा ठीक है ऑन और इन द बॉडी ऑन मतलब

ठीक है पैरासिटिज्म हैव इवॉल्वड इन बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर इवॉल्वड है क्या-क्या है चलो आगे देखते हैं कुछ पैरासाइट तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं यानी कि एक स्पेसिफिक होस्ट ही होता है सिर्फ उसके ऊपर ही रहेंगे किसी दूसरे के ऊपर नहीं ठीक है दे कैन पैरासाइट ओनली इन अ सिंगल स्पीशीज ऑफ अ होस्ट होस्ट स्पेसिफिक मतलब सिर्फ उसी स्पीशीज पर रह सकते हैं उसके अलावा नहीं अब जैसे उसमें वो था ना जैसे प्रिडेटर के अंदर था कि भाई चालाक है प्रे ने भी इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन से कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए अपने आप को बचाने के लिए ऐसे प्रिडेटर प्रे ने ये पैरासाइट और होस्ट दोनों इवॉल्व द स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंस के लिए और पैरासाइट ने होस्ट के अगेंस्ट में रेजिस्ट्रेशन के लिए ठीक है इसमें क्या है वो जो इन्होंने जो मैकेनिज्म डेवलप की ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेक इट अ थ्री स्टार मार्क फोर स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन आ जाता है यहां से अडाप्टेशन व्हिच इज शोन बाय पैरासाइट्स तो पैरासाइट्स के अंदर कुछ अडाप्टेशन एक तो जो अननेसेसरी रट रटने हैं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लॉस कर दिया लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन एक मतलब जैसे होस्ट की बॉडी में से क्लिंग करने के लिए एडहेसिव ऑर्गन या सकर्स कहते हैं इन्हें टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट ये डेवलप किए डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर दिया ठीक है ये कुछ अडेप्टेशन है पैरासाइट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा दी अपनी और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इवॉल्व की कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल से क्या फायदा कुछ तो है अभी भी जो इनका स्पेसिफिक होस्ट ही होता है लेकिन अगर एक ही मान लो वो नहीं मिला तो पैरासाइट मर जाएगा ना तो इनके पास ऑल्टरनेट होस्ट होते हैं कि अगर ये नहीं ऑप्शन रखते हैं अगर ये नहीं तो ये सही तो ये होता है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इवॉल्विंग वन और और टू टू इंटरमीडिएट होस्ट द पैरासिटाइजेशन ठीक है जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन लीवर फ्लूक ये दो थर्मोराइट होस्ट पर स्नेल पर फिश दोनों पर डिपेंड हो सकता है टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल मतलब फिक होंगे तो उनके लिए दिक्कत होगी तो इंटरमीडिएट होस्ट रखते हैं ठीक है तो ये है ये मैं आपको इसके बारे में तो खैर कुछ और ही पढ़ाऊंगी ये समझ में आया ये exam, ये जो, ये एग्जाम जो जो आयाप्टेशन है वो एज इट इज याद होनी चाहिए लॉस ऑफ अनगन प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी अपनी

बट फिर भी ये इम्पैक्ट पढ़ाने से पहले कुछ चीजें बता रही हूं मैं तुम्हें वो सुनो अब तुम्हारे हिसाब से जैसे जुए होते हैं ना जुए सिर में लाइसिस ऑन द हेड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म नाउ प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स मच्छर होता है मच्छर हमारा खून चूसते हैं वो भी तो सक करते हैं ब्लड तो मॉस्किटो पैरासाइट होना चाहिए और हम होस्ट होने चाहिए हाँ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो सुना होगा मलेरिया करवाता है अभी डेंगू बहुत फैल रहा है डेंगू नहीं करवाता मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स की फीमेल एनोफिल मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो इंसान को खा रहा है काट रहा है तो ब्लड सक कर रहा है तो वो पैरासाइट और हम होस्ट हैं अब आपने पूछा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी अदरवाइज तो हम सौ प्रतिशत हाँ ही करते जल्दी बताओ चैट बॉक्स हाँ या ना तो बोलो भाई छोड़ो इग्नोर मारो इनको हाँ जी <coughs> तो याद रखना बकायदा लाइन पूछ के क्वेश्चन पूछता है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो ब्लड सककर मलेरिया फैलाता है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू पैरासिटेक्टर है वो ठीक है ये ट्रू पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं है दूसरा बच्चा मदर वॉर्म में रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शेल्टर भी मदर की वॉर्म मतलब मदर से ले रहा है खाना भी मदर से ही लेता है सारा न्यूट्रिशन मदर से ही लेता है तो क्या बच्चा वो जो वॉर्म में जो है बेबी वो पैरासाइटर मदर होस्ट हो गई क्या के उस केस में नो no. ठीक है वो भी दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू पैरासिटिज्म एक आपने बचपन में कहानियां सुनी हो या फिर कार्टून में भी दिखाते हैं मैं भी पढ़ाऊंगी भी सही ठीक है वो कार्टून हम ब्रूड पैरा ब्रूड पैरासिटिज्म पहले ही बोल रहे कोई बात नहीं आपने शायद ये सुना हो जो कुक्कू होता है ना कुक्कू कोयल कोयल है ना अपने अंडे बहुत चालाक होती है कौए के घोंसले में दे देती है ठीक है अंडे सेम ही दिखते हैं तो पूरा पालन पोषण उनकी देखभाल करने का काम कौन करता है उनको कौआ ही करता है ठीक है फिर जब बाद में एग हैच होता है ना जब बच्चा निकलता है बाहर अंडे से तब उसे पता लगता है कि कोयल के अंडे थे ठीक है तो मतलब पूरी देखभाल किसने की अंडे की वो कुकू एंड क्रो ये वाला बहुत फेमस एग्जाम्पल है कोयल शायद कहानी में कभी ना कभी सुना ही होगा क्या ये भी पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है दिस इज इज इट एन ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म जिनको दिक्कत मैं बकायदा लिखाऊंगी स्पेशल पॉइंट नेक्स्ट क्लास के अंदर सो डोंट वरी अभी से सुन लो

ये तीन बकायदा आता है और ये फीमेल और फिल्म मॉस्किटो तो एक बच्चों को कंफ्यूज करता है अगर ये बकायदा लाइन हाईलाइट करके ना बताऊं तो अब तो शायद हमेशा याद रहेगा क्योंकि क्या सोचते हो वो सोच के साथ भी रही ना अब तो याद रहेगा अब भी गलत करो तो फिर ना ऊपर से नीचे कूद जाना फिर ठीक है बेड से ऊपर से बेड के ऊपर से नीचे फर्श पे कूदने की बात कर रही हूँ जिससे सिर्फ हाथ में टूटे तुम भैया समझ रहे हो ना भावना है मतलब अब तो गलती होनी नहीं चाहिए तो बाकी अधिकतर बच्चे सोचते हैं फीमेल फिर ब्लड सक कर रहा है तो वो जुए की तरह ही तो, हो गया, तो पी रहा भी तो, नहीं, वो होता है क्योंकि मलेरिया के लिए जो उसके भी कुछ होता है, क्या होता है डिजीज में बकायदा लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी उनकी तब तो वहां समझ में आएगा अभी नहीं पढ़ा रही वो अभी सिर्फ इतने ही तीन स्टेटमेंट ध्यान रखना ध्यान रख लोगे रखना ही पड़ेगा मजबूरी है ठीक है ये पैरासाइट्स ने क्या क्या अडेप्टेशन डिस्कस डेवलप की ये डिस्कस कर लिया पैरासाइट का इंपैक्ट क्या होता है होस्ट पे ये उनके सर्वाइवल को मैंने बताया ना ये वीक बनाते हैं बस उनके सर्वाइवल को रिड्यूस कर देंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस कर देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे लेकिन उसे जान से मारते नहीं है प्रोडेशन ये नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है द रेंडर होस्ट मोर वनरेबल टू द मतलब ये उनको कमजोर बनाएंगे कि प्रेडेशन उनका आसानी से हो जाए पर उनको जान से नहीं मारते प्रेडर की तरह। बस यही काम है तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके ये बस ऐसे ही दे रखा है मैंने बताया था पैरासिटिज्म के दो एक है एक्टो पैरासाइट जो किसी बॉडी के ऊपर रहेंगे अंदर नहीं जैसे लाइस वगैरह जो बताया ना ये अपनी बॉडी के ऊपर ही तो होते हैं अंदर थोड़ी ना होते हैं और एंडो जो बॉडी के अंदर होंगे एक्टो पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल लाइस ऑन द ह्यूमन जुए वगैरह जो होती हैं वही सेम डॉग्स के अंदर टिक्स का होना कॉप्स का होना और मरीन फिश बॉडी के ऊपर है अंदर नहीं है कई बार आता है हेज प्लांट ठीक है तो ये आपके एक्टोपैरासाइट है ये देखो फीमेल मॉस्किटो नीड आर ब्लड फॉर इट्स रिप्रोडक्शन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट बिकॉज इट नेवर स्पेंड इवन अ शॉर्ट मैंने बताया ना पैरासाइट अपनी जिंदगी का आधा या ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा उसके ऊपर बिताता है होस्ट के ऊपर मॉस्किटो पूरी जिंदगी तुम्हारी बॉडी पे थोड़ी बैठा रहेगा अपने लाइफ साइकिल आधा थोड़ी बैठते तुम तो मार दोगे ठीक है बिकॉज इट नेवर स्पेंड एवर इवन अ शॉर्ट ड्यूरेशन एस अदर पैरासाइट डू एंडो पैरासाइट की बात करूं जो बॉडी के अंदर रहेंगे लीवर किडनी लंग रेड ब्लड सेल्स कई जगह होते हैं ठीक है

अंडे से जब बेबी बाहर चूजा बाहर निकलता है कुकू एंड द क्रो कुकू इज द पैरासाइट ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे रही है ठीक है बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म इट इज आल्सो नॉट अ ट्रू पैरासिटिज्म इन अ ट्रू इट इज आल्सो नॉट अ पैरासिटिज्म इन अ ट्रू सेंस ठीक ये याद रहेगा हा नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप दैट इज द एमेंसलिज्म Amensalism क्या था बेटा नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन था कॉमेंसिलिज्म इज द पॉजिटिव जीरो इंटरैक्शन द नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन एक को नुकसान होगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा ठीक है ये क्या है एक सेकेंड चलो क्योंकि मैं हैंड रिटन नहीं जा पा रही ना इसलिए एमेंसिलिज्म जो है ये रहता है एक प्रोटो कॉपरेशन रहता है उसके दो तीन एग्जांपल पढ़ाऊंगी एक आपका रहता है कॉमन uh, सिलिज्म भी नहीं पढ़ाया ना पॉजिटिव जीरो नहीं पढ़ा ये कुछ पढ़ा दिया कॉमन सिलिज्म हाँ तो एमेंसिलिज्म प्रोटो कॉपरेशन ये थोड़ा सा सेक्शन रहता है ये सिर्फ गिवन एक्स क्लास में कराऊंगी और Uh, मेरे को कुछ टर्म्स डिस्कस करनी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोली थी जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द एंडमिक स्पीशीज व्हाट डू यू मीन बाय द की स्टोन स्पीशीज ठीक है आपका सिस्टर uh, पॉपुलेशन क्या होता है आपका ऑटो इकोलॉजी क्या है सिन इकोलॉजी क्या है इकोलॉजिकल निके क्या है ये कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं जो रहती हैं लेकिन ये हम अभी नहीं ये हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर प्रोसीड करेंगे ठीक है ये सब हम लास्ट लास क्लास में प्रोसीड करेंगे तो आज के लिए इतना ही थोड़ा सा सेक्शन रहता है ठीक है ये कुछ ए, ये है तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे आज के लिए इतना ही टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर कल डे क्या है आई थिंक फ्राइडे है ना हाँ तो कल हम इस चैप्टर को खत्म करके फ्राइडे uh, को कल फ्राइडे ना सैटरडे से नया चैप्टर शुरू कर देंगे इको सिस्टम समझ जाओ संडे को क्लास नहीं होगी संडे तो चलो अच्छा करवा चाहो संडे वाले क्लास नहीं होती ठीक है तो संडे को ही वैसे भी हमारा ऑफ ही रहता है तो बस मतलब एक क्लास है इस चैप्टर की लाइक बटन इफ यू लाइक दीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं क्लास पब्लिश करने जा रही हूँ दो बजे स्पेशल क्लास के लिए मैं आपसे मिलूंगी ठीक है और फिर रात नौ बजे भी मैं आपसे मिलूंगी शाम पाँच बजे यूट्यूब सेशन कंटिन्यू है शाम पाँच बजे सेम लेट्स क्रैक नीट यूजी पर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स देखेंगे ठीक है उसका सेक्शन हम लोग कवर अप करेंगे ठीक दो बजे मिलते हैं थैंक यू बाय स्पेशल क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन कैसे करना है वीडियो की शुरुआत में दे रखा है अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो कोड uh, पूछता है इनवाइट कोड आप शिवानी कोड डाल के आ जाओ ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट है चार्जेस नहीं लगेंगे थैंक यू बाय